सिमरन की चर्चा चल रही है देवियों, सज्जनों आज अगला प्रसंग स्वामी जी महाराज ने सेवा का लिया है। यही स्वामी जी महाराज की साधना है, सिमरन एवं सेवा। उत्तम फल प्राप्त करना चाहते हो, स्वामी जी महाराज की साधना का अनुपालन करना चाहते हो, ये दो शब्द याद रखिए। इनके साथ दो शब्द और जोड़ लीजिएगा, बिन संयमी जीवन सेवा नहीं कर सकोगे, बिगड़ जाओगे, भटक जाओगे। सिमरन से बल लेके सेवा करना चाहते हो तो जीवन में संयम लाना, नहीं तो बिगड़ जाओगे। दो व्यक्ति हाथ जोड़ने वाले दिखाई दे गए तो आप गए, दो शब्द प्रशंसा के सुने और आप गए, आप संभाल नहीं सकोगे अपने आप को। एक सेवक का जीवन सिमरन से प्रेरित होना चाहिए, सिमरन से वह बल प्राप्त करे, सेवा करे, संयमित जीवन बिताए। और ये बातें सीखने को कहां से मिलेंगी? सत्संग से। चार शब्द, चारों के चारों सौ अक्षर से शुरू होने वाले हैं, सिमरन, सेवा, संयम एवं सत्संग। दिव्य सज्जनों, यही है हमारी साधना, यही है स्वामी जी महाराज के उपदेश, यही है स्वामी जी महाराज के आदेश। बस सिमरन, सेवा, संयमी जीवन जिस किसी व्यक्ति का है, परमात्मा उसे भक्त कहने लग जाता है। ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। आज देवऋषि नारद ने परमात्मा देव से पूछ दिया, परमात्मा कोई मैं आपका प्रिय भक्त देखना चाहता हूं, कौन है? संभवतया सोच रहे होंगे कि मुझे ही तो कहेंगे, तो प्रिय भक्त है। 24 घंटों कि राम नाम का जाप चलता है, नारायण नारायण का नाम जाप चलता है, सेवा कर रहा है तो सिमरन कर रहा है, सतत कर रहा है, 24 घंटों के हो रहा है, तो मेरे अतिरिक्त तो और किसे कहेंगे? भगवान ने देवऋषि नारद को नहीं कहा, कहा अमुक स्थान पर एक व्यक्ति रहता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। देवऋषि नारद थोड़े क्रुद्ध थे, अभिष्ट भी थे, निराश थे, अतएव उस व्यक्ति को देखने के लिए गए। जो जगह बताई थी भगवान ने, बिल्कुल वहां पहुंचे हैं, लेकिन वहां कोई ऐसे कपड़ों वाला दिखाई नहीं दिया, कोई बाल बढ़ाए हुए कोई दिखाई नहीं दिया, जैसे आज कल संत महात्मा कहा जाता है, ऐसा कोई वहां दिखाई नहीं दिया। कहीं भूल तो नहीं होगी? परमात्मा से पुनः गए, वैकुंठ जाके कहा, महाराज मैं उस स्थान पर हो के आया हूं, वहां मुझे कोई भक्त जैसा दिखाई नहीं दे रहा। परमात्मा ने फिर कहा, देवऋषि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, तुम सही जगह पर गए थे, वही है वो व्यक्ति, फिर जाओ। गए, एक मामूली से कपड़ों में बैठा हुआ व्यक्ति किसान था, उससे पूछा, आप मंदिर जाते हो? नहीं। पूजा करते हो? नहीं। कोई भजन पाठ, कोई जप इत्यादि करते हो? नहीं। लगा फिर परमात्मा को गलती हुई है, यह व्यक्ति तो एक ही है। पुनः गई वैकुंठ जाकर फिर परमात्मा से पूछा, कहा महाराज एक किसान मिला है, उससे मैंने पूछा तो मंदिर जाता है? नहीं। भजन पाठ करता है? नहीं। कोई जप आराधन करता है, कभी ध्यान में बैठता है कि नहीं? क्या वही व्यक्ति है या और मैं कहीं किसी और को ढूंढूं? परमात्मा देव कहते हैं, देवऋषि वही है, आप फिर जाओ उसके पास। देवऋषि फिर गए हैं उनके पास, मानो
अब उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं भजन पाठ के लिए, मंदिर के लिए। क्यों? भगवान ने वेरीफाई कर दिया कि वही व्यक्ति है, कंफर्म कर दिया कि ये वही व्यक्ति है। अब पूछा, बंधु ना तो मंदिर जाता है, ना तो कोई सेवा का काम करता है, कोई सत्कर्म नहीं करता, कोई सिमरन नहीं करता। किसान रोकता है, ये क्या कहा आपने? तो मंदिर नहीं जाता, कोई जप नहीं करता, कोई सेवा का कार्य नहीं करता, तो फिर सिमरन भी नहीं करता, तो परमात्मा को याद कैसे करता होगा? किसान कहता है, देवऋषि याद उसे करना पड़ता है जो भूला हुआ हो। मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा क्षण आया ही नहीं जब मैं परमात्मा को भूला हूं, याद किसको करना? मैं तो मेरी रग रग में रमता है, मेरे रोम रोम में रमता है, हर वक्त मेरे अंग संग है, मैं चलता फिरता काम काज करता हुआ सब कुछ उसके साथ करता हूं, मेरे साथ रहता है, मेरे सिर पर बैठा हुआ है, मेरे हृदय में बैठा हुआ है, मेरे इधर है आगे है पीछे है ऊपर है नीचे है, मैं तो उसमें बैठा हुआ हूं। उसे भूलने का कभी प्रश्न ही नहीं सोचा। सिमरन तो उसे करने की जरूरत, स्मरण कहता है, स्मरण तो उसे करने की जरूरत जिसे आदमी भूला हुआ हो। मैं कभी परमात्मा को भूला ही नहीं, परमात्मा मुझे कभी अपने आप को भुलाने ही नहीं देता। इस प्रकार का मेरा जीवन परमात्मा ने बना दिया हुआ है। ऐसा भक्त परमात्मा का प्रिय भक्त। मेरी माता सचनो, इस अंतर के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। जो हम करते हैं वे जप है, जप किया जाता है, स्मरण होता है। इतना अंतर याद रखो तो आज ही से आप स्मरण शुरू कर दोगे। जाप किया जाता है, मैंने इतना जाप किया, मैं जाप कर रहा हूं, स्मरण होता है, स्मरण किया नहीं जाता। जहां जप करते हुए आपका कर्तापन का अभिमान खत्म हो जाएगा कि मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया है, समझ लीजिएगा वहीं से स्मरण, वहीं से स्मरण का शुभ आरंभ हो जाएगा। जाप किया जाता है, स्मरण होता है, स्मरण किया नहीं जाता, स्मरण होता है, स्मरण रहता है। अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।